धनबाद में गिरती विधि व्यवस्था और बिजली पानी की लचर व्यवस्था को देखते हुए आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक दिवसीय धरना दिया। जिले भर से व्यवसायी वर्ग के सैकड़ों व्यवसायियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चेतन गोयंका ने कहा कि धनबाद में इन दिनों विधि व्यवस्था काफी गिरती जा रही है। प्रतिदिन हमारे व्यापारियों से व्हाट्सएप कॉलिंग एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अपराधियों के द्वारा पैसा उगाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों को धमकाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे व्यापारी डर के साए में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार अपराधियों ने अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन धनबाद की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। संवाद टूट गया है, जन संवाद हो या व्यापारियों से संवाद हो, ब्रेक हुआ है। जब कार्य करते हैं इसके पहले जो पुलिस के प्रति जो विश्वास हमसे विश्वास टूटा है, शासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो विश्वास टूटा है उसको बहाल करने के उपाय करें, साथ ही साथ अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं होता है, आज आप देख रहे हैं कि निर्वाह पूरा निर्वाह का आस पास का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ विधि व्यवस्था के लिए इसका विरोध के लिए आज धरने पर बैठा है। व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान को बंद करके यहाँ करके धरना दे रहे हैं। इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। एक व्यवसायी जो कि राज्य सरकार को राजस्व राजस्व देता है, वो अपने प्रतिष्ठान को बंद करके सड़क पर बैठा है। प्रशासन को गंभीरता से इस समय सोचना चाहिए, कड़े से कड़ा उठाना चाहिए। बहुत बड़े कड़े विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग करते हैं, अभी संवाद बढ़ाने की बात करते हैं, मगर ये सब नहीं होगा। जैसे कि धनबाद कभी हालात हो गए, यातायात व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना होगा, रूल ऑफ लॉ कैसे लागू होगा उसका प्रयास करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों से चर्चा करनी होगी। और यही आग्रह पुलिस प्रशासन को खास कर दुखद है, हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। और मैं डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, हम लोग उनके साथ हैं, पूरे IMA के साथ हम लोगों ने आश्वस्त किया है। हमें IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और तमाम सामाजिक संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं इकट्ठे होकर लड़ेंगी, इसका हल निकलेगा। प्रशासन को जो दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन दबाव में आएगा, प्रशासन उन चीज़ों पर गौर करेगा जो लोग कहना चाहते हैं। न सिर्फ हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, हम लोग कहते हैं जनसंवाद भी करे, लोगों से मिले, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे। जो आज के दिन पेट्रोलिंग ध्वस्त हो गई है, जो आज के दिन टाइगर मोल व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पा रही है। इसका एक बड़ा कारण है विश्वास में कमी होना, विश्वास की बहाली का काम प्रशासन करे। हम लोगों ने पिछले 30 वर्षों में हर 10 साल में ऐसी घटनाएं होती देखी है, लेकिन जितनी गिरावट इस वर्ष आई है इतनी गिरावट कभी नहीं। हो रही है, इसके विरोध में हम लोग एक धरना पर बैठे हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रंगदारी और हत्या पर उद्भेदन हो, मेरा यही आग्रह है। यदि इसका उद्भेदन नहीं होता है, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोग एक कड़ा निर्णय लेकर उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। विकास की बात करें तो पानी बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, इसके लिए हम लोग 2 चरण आंदोलन कर चुके हैं, आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बिजली पानी की व्यवस्था जो है राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें।